एक बार फिर से साउथ इंडस्ट्री का सिक्का बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है। पुष्पा ट्रिपल आर और KGF 2 के बाद अब कमल हसन की फिल्म विक्रम ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में हलचल मचा दी है, जहां अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई, वहीं कमल हसन की फिल्म विक्रम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया है। यही नहीं बल्कि विक्रम कई देशों में टॉप 10 फिल्मों की जगह बना चुकी है। वैसे भी कमल हसन की विक्रम ने वीकेंड पर 175 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म ट्रेंड एक्सपर्ट रमेश बाला ने विक्रम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, विक्रम ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अब तक 175 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। कमल हसन की विक्रम का बजट 100 करोड़ रुपए से ऊपर बताया जा रहा था। इस तरह फिल्म पहले 3 दिनों में प्रॉफिट में आ गई थी और दुनिया भर में अपना डंका बजा रही है। अब देखना यह है कि विक्रम कितनी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देती है। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान दर्शकों को सिनेमाघर तक खींचने में नाकामयाब हो रही है। कमजोर डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के साथ ही मिसफिट स्टार कास्ट भी इस फिल्म के लिए मुसीबत बन गई है। इस तरह सम्राट पृथ्वीराज अपने 4 दिनों के सफर में लगभग 45 करोड़ रुपए की कमाई कर सकी है, जबकि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए रहा। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सोनू सूद और संजय दत्त और मुंशी छिल्लर दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब रही हैं। और अब देखना यह है कि अक्षय कुमार की यह फिल्म और कितना कलेक्शन कर पाती है। फिलहाल इन दोनों फिल्मों में आपने कौन सी फिल्म देख ली है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।